उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख 20 नवंबर करीब आती जा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। प्रयागराज के फूलपुर सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवादी पार्टी पर जमकर हमले किए। हालांकि समाजवादी पार्टी पर हमला करने से पहले उन्होंने बीती रात झांसी में मेडिकल कॉलेज में जो दुर्घटना हुई उसको लेकर दुख जाहिर किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झांसी में एक दुखद घटना घटित हुई, शॉर्ट सर्किट के आग लगने के कारण वहां ये दर्दनाक घटना घटी है जिसमें 10 मासूम बच्चे अग्निकांड की चपेट में आए और उनकी मौत हो गई। हालांकि शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया और उनके इलाज के समुचित इंतजाम किए जा रहे हैं। इलाज के लिए और देखरेख के लिए रात में ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक और प्रमुख सचिव को वहां पर रवाना कर दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि बाकी सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उनका इलाज जारी है। सीएम योगी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, पुलिस और प्रशासन सहित सेना के जवानों ने सभी बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाला। सीएम योगी ने मासूम बच्चों को खोने वाले परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की और सीएम योगी ने यह भी कहा कि इसी घटना की वजह से फूलपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचने में उन्हें देरी हुई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री प्रकाश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है, शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का विकास से कोई नाता नहीं है। उनका कहना होता है कि सबका साथ, लेकिन सिर्फ सैफई परिवार का ही वहां पर विकास होता है और ये लोग सिर्फ माफियाओं को ही आगे बढ़ाते हैं। बहन और भाइयों, इनको विकास से कौन मतलब है? इनको युवाओं से कौन मतलब रह गया है? इनको किसानों से कौन मतलब रह गया? इनको व्यापारियों से मतलब नहीं, इनको विकास से मतलब नहीं। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सेफई परिवार का विकास। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमले करते हुए कहा कि उनकी सरकार जब इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करती है तो समाजवादी पार्टी को इससे तकलीफ होती है। उत्तर प्रदेश के सभी बड़े माफिया सपा के गले का हार बने रहते हैं और माफियाओं की वजह से ही इनकी रोजी रोटी या यूं कहें आजीविका चलती है। सीएम योगी ने कहा कि हमने कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करेगी। नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाएं
पारदर्शी तरीके से हों, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार कदम उठा रही है। देखा होगा समाजवादी पार्टी को इससे पीड़ा होती है, नकल माफिया को भी बचाने के लिए वह कितनी बड़ी चोटी। आज भी आप देख लीजिए जितने बड़े दुर्दांत खतरनाक माफिया है वे सब सपा के गले के हार हैं, उन्हीं से इनकी आजीविका चलती है, उन्हीं के भरोसे ये लोग जीते हैं। और इसीलिए जब युवाओं के लिए सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं हो, जब सरकार उन युवाओं के हित के लिए कार्य करते, हमने तो पहले दिन कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले के भविष्य के साथ फिर हम भी खिलवाड़ करेंगे। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। सीएम योगी ने आगे कहा कि सबसे बड़ी चुनौती जाति के नाम पर देश को बांटने वाले लोग हैं। हमें अब बंटना नहीं है, एकजुट रहना है, क्योंकि ये देश को कमजोर करने की साजिश है। ये लोग जाति के नाम पर बांटकर तुष्टीकरण का काम करते हैं और ऐसा होने पर गरीब हिंदुओं को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। हमारी सरकार में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है और किसी भी योजना में भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सबका साथ और सबका विकास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है। कृष्णानंद राय के साथ रमेश यादव भी थे, रमेश पटेल भी थे, सात अन्य लोग थे, सबकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए माफिया, दुर्दांत माफिया निर्दोष हिंदुओं की हत्या भी करते थे और फिर संपत्तियों पर भी कब्जा करते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, धार्मिक स्थलों पर कब्जा करते थे और फिर पर्व और त्योहारों में व्यवधान डाल करके अशांति पैदा करते थे। आज तो मैं कह सकता हूं हमारे उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च शांति है। यूपी न्यूज 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।